देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अब तक बढ़कर 107 हो चुकी है। ये संख्या 23 नए मामले सामने आने के बाद बढ़ी है। वहीं सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी भारतीयों के लिए पहला टेस्ट और दूसरा कंफर्मेटिव टेस्ट मुफ्त कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव संजीव कुमार ने बताया कि ईरान से लाए गए 236 भारतीयों में कोई केस कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है, जबकि जापान और वुहान से निकाले गए सभी लोग नेगेटिव पाए गए, लिहाजा उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मिलान इटली से एयर इंडिया की फ्लाइट आज सुबह दिल्ली पहुंची है। इसमें लाए गए सभी 218 यात्रियों को आईटीबीपी कैंप छावला में ले जाया गया है। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। इसके अतिरिक्त ईरान से निकाले गए 236 व्यक्तियों का तीसरा बैच आज भारत पहुंचा है और उन्हें जैसलमेर में स्थित आर्मी के सुविधा केंद्र में क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। ईरान से प्रस्थान से पहले भी इनकी जांच की गई थी। फिलहाल किसी में भी रोग के लक्षण नहीं हैं।